हेलो एवरीवन वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब ट्यूटोरियल तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम डोर्स के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे तो इस ट्यूटोरियल में हम तीन चीज़ें देखेंगे सबसे पहले तो हम देखेंगे व्हाट इज़ बैकडोर बैकडोर होता क्या है फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बैकडोर बैकडोर कितने टाइप का होता है दो टाइप के बैकडोर्स हम देखेंगे और फिर हम देखेंगे वाई बैकडोर अटैक्स आर डेंजरस बैकडोर अटे अटैक्स डेंजरस क्यों होते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में जाके क्या हार्म करते हैं ठीक है ठेके? तो वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपको मेरी सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा तो हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो बैकडोर होता क्या है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझते हैं बैकडोर मतलब क्या होता है किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी मालवेयर का यूज़ करके अगर आपके कोई कंप्यूटर सिस्टम में अनऑथोराइज एक्सेस ले लेता है ठीक है तो उसको बोलते हैं हम बैकडोर अटैक अब इसमें मेन बात क्या है कि मेन पर्पज़ क्या है अटैकर का आपके कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क रिसोर्सेज में अनऑथराइज एक्सेस ले लेना अनऑथराइज एक्सेस मतलब वो उस कंप्यूटर uh, सिस्टम को यूज़ करने के लिए बिल्कुल भी ऑथोराइज यूज़र नहीं है पर जैसे तो भी करके जुगाड़ करके वो आपके कंप्यूटर का एक्सेस ले लेगा ठीक है अटैकर तो उसको हम क्या बोलेंगे बैकडोर अटैक तो बैकडोर अटैक इज यूजिंग एनी मालवेयर और टेक्नोलॉजी टू ग्रेन अनऑथथराइज एक्सेस टू एनी एप्लीकेशन और सिस्टम ठीक है अब मेन बात यह है कि आपके कंप्यूटर uh, का अनऑथोराइज एक्सेस लेने के लिए अटैकर को आपके कंप्यूटर में सिक्योरिटी मेजर्स को बाईपास करना पड़ेगा दैट मीन्स आपके कंप्यूटर में जितनी भी सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेड है उसको uh, एक तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल आपके कंप्यूटर में यूजर नेम और आई डी से ही लॉग इन हो सकता है तो उसको यूजर नेम और आई डी क्रैक करनी पड़ेगी ठीक है उसके बाद बैकडोर अटैक क्या करता है कि बैकडोर अटैक के बाद अटैकर क्वाइटली आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंट्री ले लेता है और एक बार उसने आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंट्री ले ली तो वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क uh, कर सकता है ठीक है अब कंप्यूटर uh, में आपको पता होगा जिसको एडमिन एक्सेस होता है वो कंप्यूटर के हर पार्ट को एक्सेस कर सकता है तो मेन उसका पर्पज़ क्या रहता है अटैकर का कि आपके कंप्यूटर में स्लाइट साइलेंटली घुस जाना सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को बाईपास करके और आपके कंप्यूटर का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस ले लेना है ना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस लेना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है जैसे ही उसको एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस मिल गया अटैकर कैन परफॉर्म वेरियस टास्क आफ्टर गेनिंग द एडमिन एक्सेस द साइबर अटैकर कैन परफॉर्म वेरियस टास्क तो वो क्या क्या कर सकता है सबसे पहले वो आपके एक डिवाइस को कंप्लीटली हैक कर सकता है ठीक है मतलब वो डिवाइस आपका रह नहीं जाएगा उसके बाद अगर आपके कंप्यूटर में कोई सेंसिटिव डेटा फॉर एग्जाम्पल यूजर आई डी पासवर्ड अकाउंट नंबर क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन ऐसा कोई भी डेटा स्टोर हो तो उसको स्टील कर सकता है उसके पास सारा डेटा पहुंच जाएगा उसके बाद आपके कंप्यूटर की पूरी सिस्टम सेटिंग्स भी बदल सकता है ठीक है अब ये हो सकता है कि अटैकर जो है कहीं और बैठा बैठे इंटरनेट की हेल्प से आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा हो और आपने आपके कंप्यूटर सिस्टम में उसने बैकडोर अटैक कर दिया हो ठीक है उसके बाद होता है टाइप्स ऑफ बैकडोर्स बैकडोर्स जनरली दो टाइप के होते हैं ठीक है अब जनरली बैकडोर्स को अच्छे पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है और बुरे पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है अब आप सोच रहे होंगे यार किसी भी चीज़ का अनऑथराइज एक्सेस ले लेना अब इसमें अच्छा पर्पज़ क्या होगा तो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे उसको सही पर्पज़ के लिए लीगल वे में यूज करा जाता है तो देअर आर टू टाइप्स ऑफ बैकडोर ऑन द बेसिस ऑफ के बैकडोर का पर्पस क्या है ये दो टाइप के होते हैं सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव बैकडोर ये क्या होते हैं लीगल बैकडोर्स होते हैं ठीक है थीके? ये लीगल है तो जनरली क्या होता है कि अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो सॉफ्टवेयर कंपनी अपने सॉफ्टवेयर के साथ एक बैकडोर अटैच करके देती है तो जैसे ही आपने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा तो बैकडोर भी डाउनलोड हो जाएगा अब बैकडोर का मेन पर्पस क्या रहता है अनऑथराइज एक्सेस देना इसका मतलब किसी किसी भी यूजर को या किसी भी अटैकर को बिना आ, आ, आथ, अपने ऑथेंटिकेशन के आपके कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस मिल जाएगा ठीक है तो जैसे ही आ, क्या होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर ने क्या करा आपके सिस्टम में जैसे ही आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो सॉफ्टवेयर डेवलपर ने आपके सिस्टम में साथ में बैकडोर भी इंस्टॉल कर दिया अब इसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो सॉफ्टवेयर डेवलपर बिना किसी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के ही आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कोड को एक्सेस कर सके और आपके कंप्यूटर को एक्सेस करके वो इशू रिजॉल्व कर सके ठीक है तो समटाइम्स सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटेंशनली लीव अ बैकडोर इन टू अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ठीक है सो दैट इन द केस ऑफ एनी फेलियर और एरर दे कैन ईजीली रीच सॉफ्टवेयर कोड एंड सॉल्व द इशू विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन ठीक है ये सिंपल था और एक बात क्या है कि चलो ठीक है सॉफ्टवेयर डेवलपर ने तो बैकडोर इंस्टॉल कर लिया और उनका पर्पज़ सही है पर इसी चीज का फायदा हैकरस उठा सकते अटैकर उठा सकते ठीक है अ स्किलफुल हैकर कैन टेक द एडवांटेज ऑफ इट ठीक है वो क्या कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर ने जो बैकडोर इंस्टॉल किया है उसको मेलिशियसली यूज़ कर सकते हैं उसके थ्रू आपके कंप्यूटर का अनऑथोराइज एक्सेस लेके आपके कंप्यूटर में पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं ठीक है तो इसलिए हम बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव बैकडोर जो है वो एक लूप होल है आपके कंप्यूटर सिस्टम में ठीक है तो थ्रू सच बैकडोर आर ओनली नोन टू डेवलपर ये बैकडोर भले ही सिर्फ डेवलपर के पास हो ए स्किलफुल हैकर कैन टेक द एडवांटेज ऑफ इट एंड साइलेंटली यूज इट फॉर मेलिशियस पर्पज मतलब हैकर्स uh, क्या करते हैं आपके बैकडोर का यूज मेलिशियस पर्पज के लिए करते हैं ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव बैकडोर एज अ लूप होल फॉर द प्रोग्राम ठीक है अब सेकंड है मेलिशियस बैकडोर अब मेलिशियस बैकडोर हमेशा ही अटैकर इंस्टॉल करेगा ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव बैकडोर को डेवलपर इंस्टॉल कर रहे थे अच्छे जीव काम के लिए लेकिन मेलिशियस बैकडोर uh, को अटैकर इंस्टॉल करेगा जनरली वो हार्मफुल काम के लिए करेगा फॉर एग्जांपल उसको आपके कंप्यूटर uh, सिस्टम का सेंसिटिव डेटा लेना है या सेटिंग चेंज करनी है आपके कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना है तो जनरली ये जो बैकडोर्स है वो ट्रोजन हॉर्सेस आपके सिस्टम में इंस्टॉल होते ट्रोजन हॉर्सेस आपने uh, बिल्कुल डिटेल में पढ़ा था ठीक है मेलिशियस बैकडोर्स आर द बैकडोर्स इंस्टॉल ऑन द सिस्टम बाई साइबर क्रिमिनल्स इनको कौन इंस्टॉल करेगा साइबर क्रिमिनल और ये कैसे इंस्टॉल करेंगे ट्रोजन हॉर्सेस जैसे प्रोग्राम का यू, यूज करके दे आर डिजाइन टू परफॉर्म मेलिशियस टास्क सिंपल है उसके बाद अब आ, अगर आपको नहीं पता है कि ट्रोजन हॉर्सेस क्या होते हैं तो ट्रोजन हॉर्सेस एक ऐसे प्रोग्राम रहते हैं वो खुद तो ज़्यादा हार्म नहीं करते पर वो दूसरे मैनिशिय मैलिशियस प्रोग्राम जैसे बैकडोर्स वायरस वॉर्म्स इनके लिए एज ए चैनल काम करते हैं ठीक है तो जैसे ही अगर आपके कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्स इंस्टॉल हुआ तो ये बैकडोर को बहुत ईजीली आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देगा ट्रोज़न हॉर्सेस अपीयर टू तो बी अ यूजफुल प्रोग्राम बट वंस यूज अट attacker tricks the user for installing them they can uh, like reach the root of your system and install yahan pe aayega backdoors. doors theek hai samajh mein aaya ab सबसे उसके बाद why backdoors है dangerous बैकडोर ते dangerous क्यों होते हैं बैकडोर्स कैन बी गेट वे फॉर दट डेंजरस प्रोग्राम लाइक ट्रोजन हॉर्सेस रेंसम वेयर स्पाईवेयर वायरस एंड वॉम्स अब पहले क्या है कि अब मान लो कि अगर आपके कंप्यूटर में बैकडोर इंस्टॉल हो गया दैट मीन्स अटैकर को आपके कंप्यूटर का एडमिन एक्सेस मिल गया अब वो चाहे तो कोई से भी प्रोग्राम uh, कोई से भी मेलिशियस प्रोग्राम वायरस वाम्स कितने भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करे ठीक है उसके पास वो सारा एक्सेस है तो बैकडोर क्या हो सकते हैं इसकी वजह से दूसरे मेलिशियस प्रोग्राम जैसे कि ट्रोजन हॉर्स स्पाईवेयर वायर ये सब भी आपके कंप्यूटर में इजीली इंस्टॉल हो सकते हैं ठीक है उसके बाद क्या होता है मैं एक बार और बता देती कि क्या होता है तो जनरली क्या होता है ना कि एक सर्वर होता है मान लो कि ये अमेजोन की साइड है मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ इसमें मान लो कि चार कंप्यूटर है ये अलग अलग लोकेशन है एक भोपाल एक दिल्ली एक गुड़गांव एक जबलपुर बहुत अलग 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 से है और ये क्या पे करेंगे पे फेक फेक रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट फायर ठीक है अब इसके कारण क्या होगा अमेजॉन बिजी हो जाएगी अमेजॉन की साइट और अगर रियल यूजर अगर अमेजॉन की साइट से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे तो वो कर नहीं पाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं डीडीओएस अटैक डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक अब मान लो कि अटैकर ने किसी यूजर के कंप्यूटर्स पर बैकडोर इंस्टॉल कर दिया इस पर भी कर दिया इस पर भी कर दिया इस पर भी, भी कर दिया अब इन चारों का एक्सेस किसके पास चलेगा अटैकर के पास चलेगा अब वो क्या करेगा इन चारों कंप्यूटर से डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करने लग जाएगा किसी टारगेट वेबसाइट पर ठीक है तो बैकडोर डी डी ओ एस अटैक भी कॉज कर सकते हैं ठीक है उसके बाद बैकडोर की हेल्प से जो हैकर्स होते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम से सेंसिटिव से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और कुछ सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं फॉर एग्जांपल पासवर्ड और अदर इंफॉर्मेशन ठीक है यूजिंग बैक डोस्ट यूज़र कैन ऑल्सो इज स्टिल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ठीक है ये मतलब कि सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं और उसके बाद सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को गेन भी कर सकते हैं जैसे कि यू अकाउंट नंबर पासवर्ड एक्सेट्रा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू